बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। माजिद खान ऑटो ये ट्रेनिंग में खुश आमदीद। प्यारे भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ढेर सारी खुशियाँ दे और आप खुशियाँ मारने का जिया बने। प्यारे भाई, ये मेरे पास OZD-40 ECM आया, तो इसमें ऑक्सीजन सेंसर का प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व करेंगे। और साथ में मैं आज काफ़ी चीज़ें अपने शिकायतों को भी बतानी है आपके साथ में, मैं शेयर करूँगा इनके पार्ट वगैरह की और चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपने एग्जैक्ट चेक करनी है, तो इसी हम आपका ओके हो जाएगा। तो यार पेशकश से इसको खोलो, आ जाएं भाई, आगे आ जाएं, इसको खोलो पेशकश से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो है सदका जारिया हो, दुआएं मिले आपको भी और हमें भी। छोटी सी भाई कोशिश है हमारी, तो छोटी है, लोगों को बहुत बड़ी बड़ा बड़ा फ़ायदा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी दुनिया ने माशाल्लाह फ़ायदा लिया है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमारा ECM ओपन हो गया है जी। ये दें भाई, इसकी प्लेट दे मुझे। तो ECM जब आपके पास आए तो सबसे पहले आपने इसका जी वाला ट्रांसफ़र चेक करना है, जैसे कि मैं अभी चेक करूँगा। ये देखे, अब मज़े की बात देखे, करीब आ जाइए ज़रा। ये देखे, वो देखे, इसका पेस्ट थोड़ी सी वो हुई हुई है ना, बर्न हुई हुई है। देखें ये पेस्ट, ये बर्न हुई हुई है, तो ये इस वक्त ट्रांसफर नहीं काम कर रहा है। ये देखें, ये पहले नंबर पे तो ये है, देखें एक साइड पे कर रहा है, दूसरी साइड पे वैल्यू नहीं आ रही, देख रहे हैं जी। ये एक साइड पे आ रहा है, एक साइड पे वैल्यू नहीं दे रही, एक तो हमारा ये मसला हो गया, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये भी चेक कर लेने आपने, ये भी ठीक है, ओके हो गया जी। अब आ जाना है आपने फ्रंट पे, फ्रंट पे आ जाना है, फ्रंट पे आके आपने ये चेक करने हैं। ये देखें जी, एक यहां मेरे ऐसे फ्यूज है, ये मेरे, ये देखें, ये बोल रहे हैं दो, और ये दो मेरे नहीं बोल रहे, ये ठीक है जी। ये मीटर भी आना चाहिए, ये देखें ना, जैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये मेरे नहीं बोल रहे, मेरे ये दो फ्यूज खराब हैं। और अल्लाह आपका भला करे, ये मेरा एक ट्रांसफर खराब है, दो फ्यूज़ चेंज करूंगा, ट्रांसफर चेंज करूंगा। अब बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि उस्ताद जी, ये जो C-56 भाई, अभी समझ लें कि आपने ये C-56 अगर आपने चेक करना है, तो ये भी समझ लें आपका एक ट्रांसफर का ही काम करता है। ये प्रॉड है, आपने लगा लेना है। ये देखें जी, मैं इसको रखता हूँ इधर, ठीक है जी, सही है भाई, उसको टेढ़ा नहीं आपने करना, ये मूवी गलत हो जाएगी। ये देखें जी, ये ठीक है जी, एक वैल्यू ये आ रही है हमारी, एक वैल्यू ये आ रही है हमारी। अगर हम इसको उल्टाएंगे, वैल्यू नहीं दे रहा, तो ये हमारा NPN है। अगर मुझे कभी ये ना मिले ना, अगर मुझे ये ना मिले, तो मैं यहाँ तीन टांगों वाला भी लगा सकता हूँ। मतलब ये मेरी जो साइड है, ये साइड मेरी आउट पे जा रही है, चारों मेरे एक जैसे हैं ये, ये देखें, ये चारों एक हैं, ठीक है जी। एक वैल्यू ये आ गई और ये वैल्यू एक आ गई, ठीक है जी। ये मेरी दो पिने ये हैं इसकी, और एक पिन ये है, यानी कि ये तीन टांगों वाले ही समझ ले आपका लगा हुआ है, ये चीज है इसकी। तो बाकी हमारी बात आ गई जी, अब हम इसको चेंज करेंगे, इस वाले को हम चेंज करेंगे। सबसे पहले मुझे दें भाई, पीछे से ऑर्गन लगाएं, ये आपने उतार लेना है। ये K-20-18 लगा हुआ है, इस पे अगर आपको K-20-18 नहीं मिलता तो आप कोई भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें। लगाना आपने NPN है, PNP नहीं लगाना, ठीक है जी।
ये मैंने उतार लिया जी। ये कोई भी कार्ड आपके पास अगर पड़ा है तो उसमें से आप निकाल के लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये मुझे मिल गया है, बच्चे ने दे दिया। ये हम जो कंप्यूटर तैयार करते हैं ना, E7 C7, तो उसमें हमें निकल आते हैं कुछ चीज़ें, उतारते हैं हम उसमें से, कुछ चीज़ें लगाते हैं, कुछ उतारते हैं। ये मैंने लगा दिया जी, ठीक है जी, ये मेरा लग गया। अब आ जाते हैं हम आगे, ठीक है जी। हमारे ये दो ख़राब हैं, दो फ्यूज़ भी ख़राब हैं, ये भी हमने उतार देने हैं, ये मैंने दोबारा, ठीक है जी। मुझे कोई कार्ड देने हैं इनमें से लगे होंगे, एक और पकड़ लो कार्ड, इतने सारे हमारे पास है। फ्यूज उसी नंबर का लगाना है। जरूरी नहीं है आपको ये फ्यूज मिल जाए, कोई भी जरूरी तो नहीं है, कोई भी आपको वैल्यू का मिल जाए जरूरी तो नहीं है। बेशक तो ये एक प्रोटेक्शन पे उन्होंने लगाया ना, देखे पीछे ट्रांसफर शॉर्ट हुआ, उसने शॉर्ट किया तो साथ ही उसने पीछे से फ्यूज भी खत्म कर दिया ताकि कार्ड और ज्यादा खराब ना हो। ये देखें अभी, ये ठीक है जी, ये देखें जी, मैंने दो लगाए हैं, ये हो गया ओके, और उसके बाद आ गया ये मेरा, मैंने जो ट्रांसफर लगाया है, ये देखें एक वैल्यू ये आ गई थी, दूसरी लाइट क्यों बंद हो रही है यार, क्या कर रहे हो? यार ट्रांसफर और देखो यार, ये देखें जी ये काम कर रहा है, इसको किक डाउन करवाया काम कर रहा है, इसको आपस में गेटवे ये मैंने बंद किया है, ये देखें गेटवे बंद किया है। यहाँ मैं इसको देखूंगा वैल्यू आ रही है, ठीक है जी, यहाँ मैं इसको किक करवाता हूँ, तो ये देखें अब जो मैंने उतारा है, ये देखें इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये देखें, ये देखें मैं इसको किक करवा रहा हूँ, ये देखें वैल्यू बोल नहीं रहा, ये देखें मैंने इसको किक करवाया तो ये नहीं बोला, ये अभी किक करवा रहा हूँ मैं, ये देखें ठीक है जी, ये मेरा ट्रांसफ़र बिल्कुल ठीक है, ऊपर जाके वहाँ वैल्यू नहीं दे रहा, बहरहाल ये मेरा बिल्कुल ओके है। तो इसको मैं दोबारा से लगा देता हूँ, ये बिल्कुल ओके है भैया, आपको भी समझ आ गई है इसकी, ये आप बाहर भी चेक कर सकते हो।
ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ईसीएम बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। अब आ जाते हैं इसकी चीज़ों पे। मतलब अक्सर वो बंदे कहते हैं कि जी उस्ताद जी हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंप्यूटर बिल्कुल डेड है, क्योंकि मैं डायरेक्ट एग्जैक्ट चीज़ों पे लेके जाता हूँ, ना कि मैं लंबे चक्करों में नहीं पड़ता। एक कार्ड पड़ा था, पकड़ाए मुझे ज़रा। ये मेरा कार्ड ओके हो गया, ये देखें अभी ये मेरा कार्ड है। मैं अक्सर बंदों को कहता हूँ कि अक्सर बंदे मुझे मैसेजेस करते हैं कि उस्ताद जी हमारे पास कार्ड आया है तो इसकी चेक लाइट नहीं आ रही, तो ये फलानी चीज़ चेक कर ली, फलानी चेक कर ली। मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास कार्ड आए, आपने एग्जैक्ट जो चीज़ सबसे पहले चेक करनी है मीटर पे, आपने ये देखना है कि ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये देखें, ये शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट बोल रहे हैं, ये भी शॉर्ट बोल रहे हैं। फिर आप आ जाना इधर, ये देखें, ये सबसे पहले आपने 3 कैपेसिटर, अगर ये शॉर्ट है तो फिर आपका प्रोसेसर इसका ख़राब है, आपका प्रोसेसर इसका ख़राब है। आपने फ़ौरन जो है प्रोसेसर की तरफ आना है, ठीक है जी, आपने फ़ौरन प्रोसेसर को चेक करना है। दूसरे नंबर पे आपकी अगर कॉयलों का फॉल्ट आता है आपके पास, वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि 391 है, अगर 4 कॉयलों का है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं इसके हवाले से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको आसानी से मिले। माजिद खान ऑटो या फिर ट्रेनिंग में मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।